हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। मेरा नाम पायल है और आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ग्रेड 11 से। डिस्टेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा जमाना जब कोई पेपर नहीं होते थे, आपस की कोई भाषा नहीं थी बातचीत की और कहीं कुछ भी कोई लिखा हुआ शब्द नहीं था, तो जिस जमाने में ना बुक्स होती थी ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, उस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री या हम प्री हिस्टोरिक टाइम से उनको डिनोट करते हैं। कैसे उस जमाने में लोग रहते थे इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक स्कॉलर्स को यह नहीं पता चला, उन्होंने खोज नहीं करी उन जगहों की जहां पर ये प्री हिस्टोरिक लोग रहते थे। जो भी खुदाई हुई इन जगहों पे, उससे क्या हुआ, सामने क्या मिला हमें, उनके पुराने औजार, उनके बर्तन, कैसे वो वहां पर रहते थे, जो हड्डियां होती हैं पुराने जमाने के ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की, या फिर जो ड्राइंग्स हमें केव की वॉल्स पर मिली उससे ही हमें उनके बारे में पता चला। ये जो इंफॉर्मेशन जो टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही थी, जब इसको एक साथ जोड़ा गया इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से या जो केव ड्रॉइंग्स मिली उनकी मदद से, तब जाके स्कॉलर्स जो हैं वो सही एक जानकारी दे पाए कि उस जमाने में क्या हुआ होगा और लोग जो हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में कैसे रहते थे। इन्हीं लोगों की जब बेसिक जरूरतें जैसे फूड है, वाटर है, क्लोथिंग है या जो शेल्टर है, जब वो पूरी हो गई, तब उन्हें महसूस हुआ कि क्यों ना अपनी जिंदगी को जो है दर्शाया जाए। तो पेंटिंग्स या जो ड्रॉइंग्स होती है, ये सबसे ऐसी ओल्डेस्ट फॉर्म है आर्ट की जो कि ह्यूमन बीइंग्स द्वारा प्रैक्टिस करी गई ताकि अपने आप को वो दर्शा सके। और इसके लिए उन्होंने जो गुफा की दीवारें होती हैं उसे अपने कैनवस के तौर पे चुना। यहाँ पर आप पेंटिंग्स देख सकते हैं कि किस तरह से पेंटिंग्स जो है वो लोग बनाते थे पहले जमाने में। अब ये आता है सवाल कि प्री हिस्टोरिक लोग जो है वो इन पिक्चर्स को ड्रॉ क्यों करते थे। अगर वो चाहते तो वो बना सकते थे, पेंट कर सकते थे ताकि उनके जो घर है वो ज्यादा कलरफुल लगे, ब्यूटीफुल लगे, या फिर उनकी जो एक रोजमर्रा की जिंदगी थी उसका एक विजुअल रिकॉर्ड रखने के लिए भी वो बना सकते थे, जैसे आज हम लोग डायरी मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिस समय एक ह्यूमन बींग्स का विकास होना शुरू हुआ था, उसका जो बिल्कुल अर्ली स्टेज थी, उस समय या उस पीरियड को हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, ये ज्यादातर आपको दुनिया के कई सारे हिस्सों में देखने को मिल जाएंगी। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि जो लोअर पैलियोलिथिक लोग थे उन्होंने कभी कुछ आर्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए या नहीं, पर हाँ जो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स है उसमें हमें सीरीज देखने को मिलती है कि बहुत सारी एक्टिविटीज आर्टिस्ट द्वारा की गई। पूरी दुनिया में जो वॉल्स हैं कई सारी गुफाओं की उस जमाने की, वो बहुत ही फाइन तरीके से उनपे कार्विंग हुई है, पेंटिंग हुई है, किस किस की पिक्चर्स हैं, एनिमल्स की, जो उस टाइम पे केव ड्वेलर्स जो होंगे वो शिकार करते होंगे जिन एनिमल्स का, उनकी पिक्चर्स जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो जो भी वो ड्रॉइंग बनाते थे उनका जो सब्जेक्ट होता था ड्रॉइंग का, वो ह्यूमन फिगर्स या ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिकल डिजाइन या फिर एनिमल सिंबल्स होते थे। इंडिया के अंदर जो सबसे शुरुआत की पेंटिंग्स हैं, वो हमें अपर पैलियोलिथिक टाइम से देखने को मिलती है। एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है जानने वाली कि जो सबसे पहली खोज हुई थी रॉक पेंटिंग्स की, वो इंडिया में बनी थी 1867-68 के दौरान, और उसको बनाया था या खोज जो हुई थी वो हुई थी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे आर्किबोल्ड कार्लेली, इन्होंने जो है खोज करी थी। और ये खोज कब हुई थी, जब अल्टमीरा स्पेन की खोज हो गई थी उसके 12 साल पहले जो है इन्होंने इसकी खोज कर ली। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष, ये कुछ ऐसे अशुरू के आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम बोलते हैं भूतत्व विभाग वाले, जिन्होंने बहुत सारी साइट्स जो हैं उनको डिस्कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। रेमिनेंट्स क्या होता है, अवशेष, जो भी अवशेष मिले रॉक पेंटिंग्स के वो हमें कहाँ मिले, ज्यादातर उन वॉल्स पर केव्स की जो कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में लोकेटेड है। कुछ पेंटिंग्स जो है वो हमें मिली कुमाऊं हिल्स में भी जो उत्तराखंड के अंदर है। इसी तरीके से जो रॉक शेल्टर है रिवर सुयाल लखुदियार जो जगह है वहां पे लगभग 20 किलोमीटर अल्मोड़ा बेरचाइना रोड पर,
वहां पर भी आपको ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। अब ये जो पेंटिंग्स है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और ये आपको जो कलर्स देखने को मिलेंगे उसमें व्हाइट, ब्लैक या रेड ओकर, यानी वो होता है आपका गेहुआ। ह्यूमंस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वो स्टिक लाइक फॉर्म्स में, यानी कि एक पतली डंडी जैसे दिखाते थे उन्हें। बड़ी बड़ी सूंड वाले एनिमल, फॉक्स और बहुत सारी लेग वाली लिजर्ड्स जो है इनके मेन एनिमल पैटर्न्स होते थे। इसके अलावा लहराती हुई लाइंस बनाना या रेक्टेंगल फिल्ड जो है ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना, कई सारे ग्रुप डॉट्स के बनाना, ये भी हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन जो डिपिक्ट किया गया है वो है हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर्स का। यहाँ पर जो है एक तरह से कुछ सुपर इम्पोजिशन भी हमें पेंटिंग्स का देखने को मिलता है। अर्लियस्ट जो इनके काम थे, यानी जो हम शुरुआती काम कहें, वो ब्लैक में होते थे और उसके ऊपर जो है वो गेरुए पेंटिंग्स होती थी, और जो सबसे लास्ट ग्रुप था उसमें व्हाइट पेंटिंग्स होती थी। कश्मीर से 2 स्लैब्स मिले हैं जिसमें एक तरह से उभार दिया गया है, ऐसे वाले 2 स्लैब्स दिए गए हैं। इसी तरह से जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, वो भी एक तरह से बहुत अच्छे कैनवस का काम करते थे, जो नियोलिथिक लोग होते थे अपनी पेंटिंग्स के लिए उनके लिए। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है कुपगल्लू, पिखिलाल, पिखलिहाल और टेक्कलकोटा। 3 तरह की पेंटिंग्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पेंटिंग्स कौन कौन सी है, पेंटिंग्स व्हाइट में है, पेंटिंग्स गेरुए रंग में है व्हाइट बैकग्राउंड के बैक पे, और पेंटिंग्स जो है पूरी तरह से गेरुए में बनी हुई है। ये पेंटिंग्स बिलोंग करती है लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल और नियोलिथिक पीरियड में। जो सब्जेक्ट्स इन पे बनाए गए हैं उसमें मेनली बुल, एलिफेंट, सांबर्स एक तरह के हिरन है, गजेल्स भी हिरन ही है, और मतलब स्पीशीज हिरन की है। फिर आपकी भेड़, बकरी, घोड़ा, जो थोड़े से स्टाइल डेकोरेशन वाले ह्यूमंस होते थे, अपने आप को वैसे ड्रेस अच्छा करते होंगे उनकी डिजाइंस हैं, या फिर आपके जो त्रिशूल है ट्राइडेंट उसे बोलते हैं, और बहुत कम जो प्लांट के पैटर्न्स हैं वो देखने को मिलते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो हैंड लिंक डांसिंग फिगर्स दिए लखुदियार उत्तराखंड की, और यहाँ पर वेवी लाइन्स लखुदियार उत्तराखंड की ये पेंटिंग्स दिखाई गई। अब जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें मिलती है विंध्याचल रेंज जो है मध्य प्रदेश का वहां से, या उनके जो कैमूरियन एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में वहां से। ये हिल रेंजेस जो है पूरी तरह से पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक अवशेषों से भरे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल है, जंगली पेड़ है, फल है, झरने हैं, क्रीक्स है, तो हम कह सकते हैं परफेक्ट प्लेस थी स्टोन एज के लोगों को यहाँ रहने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे स्पेक्टेकुलर कहते हैं रॉक शेल्टर, वो लोकेटेड है विंध्या हिल्स में, भीमबेटका जगह जो है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे भीमबेटका जो है लगभग 45 किलोमीटर साउथ में है भोपाल के, और एक तरह से एरिया है लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 800 से ज्यादा जो है आपके रॉक शेल्टर्स हैं, और 500 ऐसे हैं जिसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। जो गुफाएं हैं भीमबेटका की, इनको डिस्कवर किया था 1957-58 में एक बहुत ही एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे V.S. वकांकर, और उसके बाद बहुत सारी और भी डिस्कवर करी गई। वकांकर जो थे उन्होंने कई साल जो है इन्हीं का सर्वे करने में जो है, जो ऐसी हिल्स थी जहां पर इंसान पहुंच नहीं सकता, उसका सर्वे करने में गुजारे, और जंगल्स की स्टडी करी जहां पर ये पेंटिंग्स जो है मौजूद थी। आप देख सकते हैं आपकी इमेज में यहाँ पर केव एंट्रेंस भीमबेटका मध्य प्रदेश की दिखाई हुई है। अब जो थीम है इन पेंटिंग्स की वो बहुत ज्यादा वैरायटी वाली है, मतलब आप देख सकते हैं उसमें जो बिल्कुल आम घटनाएं होती थी रोजमर्रा जिंदगी की, जिसमें बहुत ज्यादा खासियत देती थी, मंडी मतलब होता है बहुत ज्यादा खास नहीं होती थी, उन तरह की पेंटिंग से लेके उस टाइम तक जो बहुत ही प्योर या रॉयल इमेजेस होंगे वहां तक की आपको पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी। इसमें हंटिंग शामिल है, डांसिंग है, म्यूजिक है,
हॉर्स हैं, एलिफेंट राइडर्स हैं, एनिमल फाइटिंग दिखाई गई है, जो हनी कलेक्ट करते थे उसके बारे में बनाया है, बॉडी को जैसे डेकोरेट करते थे वो बताया था, और भी घर के बहुत सारे सीन्स हैं। इन सब पेंटिंग्स को जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो रॉक आर्ट है भीमबेटका की, इसको क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग रूप में उसके स्टाइल, टेक्निक और सुपर इम्पोजिशन के आधार पर। ये जो ड्रॉइंग्स और पेंटिंग्स हैं, इनको कैटेगराइज करा जा सकता है लगभग 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में। पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 मीजोलिथिक एंड पीरियड 3 कैल्कोलिथिक। पीरियड 3 के बाद भी जो है 4 सक्सेसिव पीरियड्स रहे, पर हम अभी अपने आप को सीमित कर रहे हैं जो फर्स्ट 3 फेसेस थे उनमें। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसको करते हैं फिर अगले वीडियो।